हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एक शानदार प्रश्न। प्रश्न है, मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, एक बार रीड आउट मैं कर देता हूँ। समझ लो प्रश्न, तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें या अंतर बताएं। ठीक है, तारा और ग्रह में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उन डिफरेंसों को आप स्पष्ट करें, लिखें, उनका वर्णन करें। ठीक है, सवाल यही होगा। देखो बच्चों, तो सीधी बात मुद्दे पर आते हैं। तारे जो होते हैं इनका आकार बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली बड़ा। लेकिन ग्रह ग्रह बहुत ही छोटे होते हैं। एग्जांपल के लिए सूर्य, सूर्य क्या है? एक तारा। सूर्य क्या है? तारा। पृथ्वी, जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वह ग्रह है। तो ग्रह का आकार बहुत ही छोटा होता है, लेकिन सूर्य का आकार देखो कितना बड़ा है। समझो, सूर्य समझो, सूर्य अगर ऐसा है, पृथ्वी कैसा है? एक बूंदी, एक बिंदी की समझ। ये पूरा सूर्य हुआ, ये हुआ सन, ये क्या हुआ? सन। और ये क्या हुआ? अर्थ। समझ रहे हैं कितना डिफरेंस है सन और अर्थ? सन इज एक्सट्रीमली लार्ज, बट ऑन द अदर हैंड अर्थ इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा है। तो पहला अंतर क्या हो गया बच्चों? इनका आकार का, इनका आकार का लिखना कि जो तारे होते हैं उनका आकार बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़े होते हैं, और दूसरी तरफ ग्रहों का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए, उदाहरण एग्जाम्पल के लिए लिखना, सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना बड़ा है, बहुत बहुत गुना बड़ा है। दूसरी तरफ पृथ्वी एक ग्रह है जो बहुत ही छोटा है, यद्यपि पृथ्वी भी तुम पूरा नहीं घूम सकते हो, पृथ्वी भी नहीं घूम पाओगे, जितना भी बड़ा है ये है एक, वो भी तुम पूरा कंप्लीट नहीं घूम पाओगे, इतना बड़ा पृथ्वी है। पृथ्वी भी कब छोटा नहीं है, पृथ्वी भी बहुत बड़ा है। समझ रहे हो? इसमें भी कितना सारा नदी, नाले, पर्वत, पठार, देश, कैसे क्या नहीं है, ये भी बहुत छोटा ही है इस सन के सामने। और देखो, एक अंतर तो हो गया बच्चों, दूसरे अंतर पर ध्यान देखिए। जो तारे होते हैं, जो तारा होता है उनमें उनका खुद का प्रकाश होता है, तारे में खुद का प्रकाश होता है, वो खुद की प्रकाश से टिमटिमाते हैं, खुद के प्रकाश से जलते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य में अपना प्रकाश है, सूर्य में अपना लाइट है। जैसे जैसे सूर्य में कैसे लाइट है? अपना खुद का, स्वयं सेल्फ खुद का लाइट। लेकिन पृथ्वी पर लाइट नहीं है। तो बोलोगे पृथ्वी पर लाइट नहीं है, लाइट आता कैसा है? लाइट आ रहा है कि सन से आ रहा है? सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी भी नहीं होगी, इसलिए इसे फादर ऑफ ऑल एनर्जी कहते हैं। इसीलिए इसे फादर ऑफ ऑल एनर्जी, मतलब जितना भी तरह का एनर्जी है, सबका बाप या पिता, जनक, जो भी बोलो, ये सब कौन है? सूर्य है। धन्यवाद। तो दूसरा अंतर क्या है सर? जो हमारे तारे होते हैं उनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, बट ग्रहों में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। क्या ग्रह में है कोई, पृथ्वी में कहीं चीज देखे हो जहां से ऑटोमेटिक पृथ्वी के अंदर प्रकाश आता है? नहीं, वो अल्टीमेटली प्रकाश किसका होता है? सूर्य का। अगर ऐसा होता, रात होती, रात होता है, सूर्य डूबता है, तो पृथ्वी में अपने ऑटोमेटिक बल्ब जल जाता है। बोलो बल्ब जल रहा है, ये तो आदमी बना है, बल्ब सब जल रहा है, तो क्या है? आरटी। उसकी बात नहीं कर रहे हम, नेचुरल की बात कर रहे हैं, जो पृथ्वी में स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे सूर्य में स्वाभाविक रूप से है। सूर्य में कोई भी बल्ब तल नहीं लगा है, कोई भी बड़का बड़का सोलर लाइट नहीं लगा है। समझे बात? सूर्य का अपना प्रकाश है, बट ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ बच्चों पृथ्वी में अपना प्रकाश है। यही हाल पृथ्वी का ही नहीं, मंगल ग्रह का भी है, शुक्र का भी है, शनि का भी है, बृहस्पति का भी है, बुध का भी है, जितने भी ग्रह हुए हैं उनके में उनमें उनमें खुद का प्रकाश नहीं है, बट तारों में अपना प्रकाश है। अच्छा, कैसे इसको समझेंगे सर? एग्जांपल तुम समझ लो, रात होता है, तारे होते हैं, तारे में देखोगे अपना प्रकाश ज्योत करते रहता है, होता है ना? ऐसे करके होता है ना, टिमटिमा रहता है ना, कभी भूख कभी चुप, मतलब ऐसे होता है ना, टिमटिमाते हैं ना। तो भाई कहने का सेंस ये है, तारे जो होते हैं उनमें सेल्फ खुद का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों में प्रकाश। बात समझ आया? ठीक है, कोई पूछ लेगा कि भाई तब फिर पृथ्वी कैसे आती है, तो बोलना पृथ्वी पर लाइट कैसे, तो बोलना वो अपना लाइट नहीं है, वो सूर्य के कारण आता है, सूर्य अपना प्रभाव लाइट छोड़ती है, उसे उसी वही लाइट पृथ्वी पर
पृथ्वी पर ही नहीं अन्य ग्रहों पर भी सूर्य का प्रकाश जाता है। ठीक है, दो चीज हो गया बच्चों। तीसरा क्या अंतर है? जैसे तीसरा अंतर यह है कि तारे सिंपल सी बात टिमटिमाते हैं। तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते, बट ग्रह नहीं टिमटिमाते। तारे को देखे होंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमने पढ़ा भी है स्टंजा, याद करो बचपन में जब हम लोग एलकेजी यूकेजी में पढ़ते थे, वन क्लास में या जिस क्लास में, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ते थे ना। इसका मतलब क्या हुआ? तारे क्या होते हैं? क्या ग्रह टिमटिमाता है? पृथ्वी अगर टिमटिमाता तो हम लोग टिमटिमा जाते, तो नहीं टिमटिमा रहे, पृथ्वी टिमटिमा नहीं रहा है, समझ रहे ना? पृथ्वी जो है बिल्कुल, हाँ, पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी किसी चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर, सूर्य के चारों ओर मूव करती है। पहले लोग मानता था उल्टा, पहले मानता था कि पृथ्वी के चारों ओर सन सन घूमता है, सूर्य घूमता, लेकिन नहीं, सूर्य नहीं घूमता। सूर्य क्यों घूमेगा? इतना बड़ा चीज, इतना बड़ा भाई, तो इसके आगे देखो सूर्य फिक्स है, सूर्य फिक्स है, और इसके आगे पृथ्वी चक्कर मारती है। तो ये बात है। तो एक बार फिर से बताओ, फिर से पूछ लेते हैं, बताइए आपको बताना है कौन किसमें किसमें प्रकाश होता है? खुद का तारे में। किसमें खुद का प्रकाश नहीं होता? ठीक है। कौन आकार में बड़ा होता है? कौन आकार में छोटा होता है? पांचवा आया। और देखो, तारे खुद चमकते हैं, ये भी अंतर हो गया। तारे क्या करते हैं? खुद चमकते हैं, बट ग्रह खुद, उदाहरण के लिए सन, क्या सन, सन भी हमारा ये हो जाएगा। चलो, और यही से बात लिखना, तो इसी बात को अगर तुम लिख दोगे पेपर में, तो ये 2 मार्क्स का है ही, 2 पॉइंट लिखना पड़ता है। 2 मार्क्स में कितना पॉइंट? 2 पॉइंट। और इस पॉइंट को अगर आप डिस्क्राइब कर देते, अच्छे से लिख देते हैं, साफ साफ शुद्ध शुद्ध एकदम स्पष्ट, नो कटकुट, आपको यकीन मानिए फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई डॉट नहीं है। बाकी डिपेंड करता है एग्जामिनर का, जो कॉपी चेक कर रहा है उसका मूड कैसा है, समझे? तारे ग्रह में यही अंतर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महात्मा माता की जय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और ऑल द गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट यू। बाय।